तृणमूल कांग्रेस की एक डेलीगेशन ने पश्चिम बंगाल में बाढ़ से 8 जिलों में त्रस्त ग्रस्त हुए जनजीवन व सुंदरवन परियोजना को लेकर सरकार से बात की है। तृणमूल कांग्रेस नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने बताया कि दिल्ली में जल शक्ति मंत्री व नीति आयोग के सदस्यों के साथ मुलाकात कर समस्याओं के समाधान का निवारण हेतु चर्चा हुई। जैसे कि बताया गया कि घाटाल मास्टर प्लान है, उसमें उसके अलावा दामोदर बढ़ाकर बेसिन में जो प्रॉब्लम हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, हर समय वहाँ से पानी छोड़ देते हैं वो लोग, जब तक ये कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता है। ये समस्या बहुत गंभीर है और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये भी कैसे बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो रहा है। गंगा इरोशन हो रहा है, पद्मा इरोशन हो रहा है, इससे मालदा मुर्शिदाबाद नदिया में भी इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा भागीरथी हुगली रिवर इरोशन जो हो रहा है 8 जिले में, फरक्का से शुरू होता है, फरक्का मुर्शिदाबाद के अंदर है, आप लोग जानते हैं, मुर्शिदाबाद, नदिया और उसके बाद उत्तर 24 परगना, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, ये 8 जिले पे इसका इतना असर पड़ रहा है कि बहुत दिनों से वहाँ के जनजीवन त्रस्त व्यस्त हो गया। तो इसलिए हम वहाँ के लिए भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, सरकार केंद्रीय सरकार से जो पैसा हम लोग मांगे हैं उसको रिलीज करने के लिए हमने दबा किया। और इसके बाद दीघा शंकरपुर जो सी बीच है, वो सी बीच पिछले जो यश साइक्लोन आया था, उसका पहले भी आइला का साइक्लोन आया था, हर साल साइक्लोन हो रहा है और ख़ास करके यश में ये दीघा और शंकरपुर सी बीच का बहुत क्षति पहुंचा। और सुंदरबन एम्बैंकमेंट हमारा ये तूफान से बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबन, उनका मैनग्रोव बर्बाद हो गया, जनजीवन एकदम बहुत संकट में पड़ गए। इसलिए हम दूसरे एक से बढ़कर एक जो प्रोजेक्ट हमने बनाया कि राज्य सरकार की ओर से, राज्य सरकार बहुत पैसा भी खर्च किया लेकिन हमारे उतना कैपेसिटी है नहीं, तो ये सेंटर को जो असिस्टेंस मिलना चाहिए, ये हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया, डीपीआर जो बाकी है अभी वो भी हम लोग भेजेंगे आपको पास। अभी इरीगेशन मिनिस्टर ने डिटेल्स में बोला, मानोज जी ने आपको डिटेल्स में बोला, और घाटाल की एमपी जो है दीपक अधिकारी, उन्होंने लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया, आम सभा में भी मुद्दा उठाया, आज भी हमारे डेलीगेशन के साथ गए थे उन्हें, सिर्फ खास करके इसलिए वो दिल्ली आए हैं ताकि इसमें भाग ले पाएँ। और हमारे जितने सारे पश्चिमी मेदिनीपुर और मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर के जो जनप्रतिनिधि या मंत्री लोग हैं, सभी का राय है कि आज जो चर्चा नीति आयोग और मंत्री से हुआ है, एक अच्छा चर्चा हुआ है, लेकिन आगे हम देखते हैं सरकार की रवैया क्या है। सरकार की रवैया देखने का बाद अगर हमें कुछ करना है और हमें कुछ पेपर्स वगैरह देना है तो वो लोग मांगेंगे तो हम लोग जरूर देंगे। धन्यवाद।